योगी मोदी के चक्कर में अब नहीं आएंगे, बोलो योगी मोदी के चक्कर में अब नहीं आएंगे। ओ साथियों संविधान बचाए। छोटी दाद को कितना सताते हैं, शेड्यूल कास्ट को, एससी को, और इनके अलते बैकवर्ड को कितना भय, और सारे रिजर्वेशन खत्म करे दे रही और जनता पार्टी कर क्या रही है। एक नंबर राजा राम पर एक तरफा और दोनों एक तरफा, कहीं लड़ाई में है नहीं। जो फरुखाबाद से आए हैं, फरुखाबाद पहले गाड़ी में चले जाएंगे 13 तारीख के बाद, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे यहाँ पर। अज्ञात अवस्थी, अज्ञात अवस्थी यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। नाम अच्छा चूज किया आप लोगों ने, बिल्कुल। कांग्रेस सबसे अच्छी है और जनता पार्टी ने किया ही क्या है, संविधान भी खत्म करने को तैयार है, और क्या बोलते हैं, मालूम हर छोटी जात को प्रताड़ित नहीं करते। रैली में कुछ मातृशक्तियाँ भी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, अब कौन आया था अभी रैली में? अखिलेश। अखिलेश आए थे, और अभी 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 हमारे जानकारी नहीं। अच्छा, अभी अभी आए हैं तो। हाँ, क्या यहाँ पे देखने के लिए आप आए हुए थे? अखिलेश की देखे क्या करते हैं क्या नहीं करते, यही सब देखने आए थे। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है? इससे पहले बदलने वाली चांस तो है, बदलने वाली है। हाँ। कैसे लग रहा है आपको? अब यही सब मतलब किया, बदलाव आएंगे, कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना। पिछली बार किसको वोट किया था? अभी हमने पहली बार दे रहे हैं, अभी दिया पहली बार दे रही वोट। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? इनसे पूछते नहीं बताएंगे, नाम तो बता दीजिए। क्या? अनीता नाम। अनीता जी, तो यहाँ अखिलेश को, राहुल गांधी, संजय, किसको देखने आए? संजय सिंह को, राहुल, वो अखिलेश सिंह, अखिलेश यादव को देखने के लिए आए। आप सपा का समर्थन करती है? जी। कौन से लोकसभा से हैं आप? कानपुर के? अकबरपुर? कानपुर। कानपुर लोकसभा, किसको वोट करना चाह रही हैं? अखिलेश को। अखिलेश को करेंगे, मतलब यहाँ पे आलोक मिश्रा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका, किसको वोट कर? अच्छा, ये शर्माते बहुत लोग हैं यहाँ पे, समझता है ये बोलेंगे मुझे लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, किसको देखने के लिए आए थे आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी देखने के लिए आए थे। राहुल गांधी की पार्टी से जुड़ी हैं या लग रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, देश की यात्रा भ्रमण कर रहे थे, इसके बाद आप यहाँ पे? नहीं, राहुल गांधी जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार क्या, उन्हीं को देते हैं हमेशा। कांग्रेस को हमारे यहाँ दो पीढ़ी हो गई देते देते, हम लोग कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों, क्या वजह है कांग्रेस को? अब ये हम वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस सबसे अच्छी है और जनता पार्टी ने किया ही क्या है, संविधान भी खत्म करने को तैयार है, और क्या बोलते हैं, मालूम हर छोटी जात को प्रताड़ित नहीं करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंदु वाला बजाज है। इंदु वाला बजाज, ठीक है। छोटी जात को प्रताड़ित का मतलब नहीं समझ पा रहे। छोटी जात को कितना सताते हैं, शेड्यूल कास्ट को, एससी को, और इनके अलते बैकवर्ड को कितना भय, और सारे रिजर्वेशन खत्म करे दे रही और जनता पार्टी कर क्या रही है। कुल मिला के हम लोग राहुल गांधी को ही हम लोग दिखाना चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही सरकार हम लोग बनाना चाह रहे हैं। आपको बेरोजगारी लग रही है? हाँ, क्यों नहीं है? बहुत है, बहुत है। बचा पा रही जो पहले कुछ होता था, महिलाएं क्या होती, महिलाओं को जागृत नहीं करते हैं। महिलाएं जब जो कुछ 5 किलो राशन पीछे बिक जाती तो उसमें हमारा क्या दोष है, लेकिन हम तो बहुत जागृत करते हैं, बहुत महिलाओं को समझाते हैं कि संविधान बचाओ, अपना देश बचाओ, देश भी बिका जा रहा है, लेकिन जब महिलाएं नहीं सुनती तो इसके बंद क्या करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न है वो तो कुछ तो महिलाएं सुन लेती है, लेकिन जो हम हाई कास्ट की महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहती है। क्या पर्चा आपका? अरे पर ठीक है, बात ना करो, लेकिन वोट अपना सही जगह डाल के आना जाके, आप यही है। क्या पर्चा है आपका? संतोष पांडे, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो कैसा रुझान चल रहा है? 300 से 330 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अरे आलोक मिश्रा जी का, आलोक मिश्रा एक नंबर, राजा राम पर एक तरफा और ये एक तरफा, दोनों एक तरफा, कहीं लड़ाई में है नहीं। जो फरुखाबाद से आए हैं, फरुखाबाद पहले गाड़ी में चले जाएंगे 13 तारीख के बाद, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे यहाँ पर। अज्ञात अवस्थी,
अज्ञात अवस्थी यहाँ नहीं दिखाई पड़े, दिखाई नहीं, नाम अच्छा चूज किया आप लोग। अरे बिल्कुल अज्ञात अवस्थी तो है जब यहाँ है, इसका मतलब भाजपा के पास यहाँ कोई नेता नहीं है। कानपुर में इतने साल से जो मेहनत करता है उसको आप 85 नहीं बनाते, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हो, है इस तरीके से आप बुला लिया है आपने। देश को बेचने का काम जिस तरीके से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अंबानी अडानी को बेचने काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल नहीं पाएगा। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे बेरोजगारी, किसानों के साथ महंगाई और ओपीएस पेंशन लागू करी जाएगी तुरंत सरकार बनते ही। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी आप झंडा देख सकते हैं, कांग्रेस का भी देख सकते हैं और समाजवादी पार्टी का भी। क्या भीड़ रही है? भैया ये जनसभा बता रहा है कि भारत प्रबंधन चाहता है ईमानदार राहुल गांधी को, इस देश को अपने हाथ में देना चाहता है, क्योंकि मेरी बार बहन कह रही है राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। 8.5 हजार रुपए महीना उनके कौन रहेगा? राहुल गांधी जी आम आदमी पार्टी से मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने दोस्तों को सबको, भगवान मैं हिंदू हूँ, हिंदू तो भगवान, हाँ हिंदू हो तो भैया कोई पार्टी का नहीं है, मैं हिंदू हूँ तो मेरा कहना है क्या, अरे योगी मोदी के चक्कर में अब नहीं आएंगे, बोलो अब नहीं संविधान बचाए साथियों, संविधान बचाएंगे, और महंगाई और बेरोजगारी देश को पड़ रही भारी है, और पेपर लीक से युवाओं की कमर टूट गई सारी, और अब ना अपने बच्चों को अग्निवीर बनाएंगे, ओ साथियों इंडिया को जिताए, साथियों इंडिया को जिताएंगे। मेरा नाम सुनील कुमार कठेरिया, आम आदमी पार्टी, लोग मुझे छोटा केजरीवाल बोलते हैं कानपुर का। थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए, मैं थोड़ा इधर जाना चाहता हूँ।